CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम नटखट डमरू। बच्चों, ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा शेर नटखट डमरू। और हाँ, डमरू के पापा जंगल के राजा हैं और माँ शिकार करने में जंगल के सभी शेर शेरनियों से बहुत ही तेज। इनका जंगल बहुत ही घना और सुंदर है। डमरू के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ खेलना उसे बेहद पसंद है। पर उसकी माँ उसे मांद से अकेले बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि उसे शिकारियों का डर हमेशा रहता है, जो अक्सर ही जंगल से जानवरों को पकड़कर शहर में सर्कस में बेचने के लिए ले जाते हैं। एक बात बताऊं, जब डमरू के माँ पापा शिकार करने बाहर जाते हैं ना, तो वह चुपके से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। हाँ, और अपने माँ पापा के आने से पहले मांद में वापस चला जाता है। हमेशा की तरह एक दिन डमरू बाहर अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा था। तुम सब जल्दी से छुप जाओ। क्या तुम सब छुप गए? मैं ढूंढता हूँ। 1, 2, 3, 4। बचाओ चमकू, गिन्नी में जाल में फंस गया हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, तो डमरू शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया और वह उसे गाड़ी में डालकर सर्कस में बेचने के लिए ले गए। शिकार के बाद जब शेर शेरनी मांद में वापस आए तो डमरू को वहां न देखकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने उसे सब जगह तलाशा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब उन्होंने डमरू के दोस्तों से पूछा तब उसके दोस्तों ने उन्हें सारी बात बता दी। शेरनी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। तो बच्चों, सर्कस में डमरू को बाकी जानवरों के साथ जबरदस्ती खेल दिखाना पड़ता है। जरा सी भी गलती होती तो डमरू को बहुत डांट पड़ती थी। कभी कभी तो उसे पूरा दिन खाना भी नहीं दिया जाता था। रात भर डमरू अपने माँ पापा को याद करके रोता रहता, रोता रहता। काश, काश मैंने अपने माँ पापा की बात मानी होती और उनके पीछे से यूं अकेले मान से बाहर नहीं निकला होता, तो आज इस मुसीबत में ना फंसा होता। इन सब में कई दिन बीत गए। डमरू की तलाश में शेर और शेरनी निराश होने लगे थे। उन्होंने मान लिया था कि अब डमरू उनके पास कभी वापस नहीं आएगा। पर एक दिन जब वो शिकार के लिए निकले तो जंगल में उनको शिकारियों की कुछ गाड़ियां दिखीं। वो समझ गए कि आज फिर से यह किसी जानवर को जाल में फंसाने आए हैं। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, ये फिर किसी बच्चे को अपने माँ से, अपने पापा से अलग कर देंगे और दूर कहीं ले जाएंगे, कहीं दूर। यह सब सोच शेरनी एक शिकारी की तरफ झपटी और शेर शेरनी जानबूझकर शिकारियों के जाल में फंस गए। सर्कस में पहुंचकर शेर और शेरनी की नजरें अपने बच्चे डमरू को ढूंढने लगी। संयोग से
शेर और शेरनी को उसी कमरे में रखा गया जहां पर डमरू को इतने दिनों से बंद रखा गया था। डमरू अपने माँ पापा को देखकर बहुत खुश हुआ। मेरा बच्चा। माँ पापा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे घर ले चलो। डरो मत डमरू, डरो मत, अब हम आ गए हैं ना, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे और हाँ यहाँ से भाग चलेंगे। इसके बाद शेर शेरनी ने सर्कस से भागने की एक योजना बनाई। पता है उस रात जब सर्कस के एक आदमी ने उन्हें खाना देने के लिए पिंजरा खोला तो दोनों अपनी योजना के अनुसार उस आदमी की तरफ लपके। इस वजह से वह आदमी बुरी तरह डर गया और बिना वक्त गंवाए अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। जल्दीबाजी में वह आदमी पिंजरे का दरवाजा भी बंद करना भूल गया था। इसी मौके का तो शेर शेरनी को इंतजार था। दरवाजा खुला था, डर के मारे कोई आदमी सामने नहीं आ रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर डमरू अपने माँ पापा के साथ उस सर्कस से भाग निकला और इस तरह वह तीनों वापस अपने जंगल में पहुंच गए। हाँ तो बच्चों, ये थी नन्हे नटखट शेर डमरू की कहानी। जानते हो उस दिन के बाद डमरू कभी भी जंगल में अकेला नहीं गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नटखट डमरू। यह कार्यक्रम सार्ड के सौजन्य से CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत किया गया।